मैंने कहा महीना कौन सा है, 31 का कि 30 का? महीना सितंबर का। वो तो मुझे भी पता है, 31 का कि 30 का? आप बताओ। मुझे वो भी नहीं पता लग रहा, मेरे ख्याल से 30 का ही है। चलो आपका ख्याल है तो फिर ठीक है, 30 का ही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर आसिम साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने बीच से क्रॉप तो नहीं करना क्लिप, ऐसे कैसे लग गया? बात नहीं, आपकी वीडियो लंबी होगी। लंबी को छोड़ो, लोगों को पता लगेगा कि एक्सपोर्टिंग में टाइम लगेगा, अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा। वो कोई मसला नहीं, लोगों को पता लगेगा कि आसिम जाओ जवाब नहीं देता चाचू का इतनी जल्दी। 25-30 बार कहना पड़ता फिर जवाब देता, इग्नोर करता अपने चाचू। कितना टाइम हो गया हम इधर खड़े? 5-10 मिनट। अभी अभी आया मैं, सिर्फ कार्ड चेंज करके तो बाहर आ गया, मोबाइल से कार्ड इसमें डाल के तो मैं बाहर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार। और सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो हमें ज्वाइन किया, जो हमें देखते हैं, जो हमें लाइक करते हैं, हमें सब्सक्राइब किया और उसके अलावा हमें प्यारे प्यारे जो कमेंट्स भी देते हैं। देखिए इतनी लंबी लाइन में जो विदाउट स्टॉप बोली है। अजान शुरू हो गई है, अभी अजान सुन लेते हैं। आसिम साहब ने जब बच्चों को रुला दिया, अंदर बंद किया, वो रो रहे हैं बेचारे। आसिम साहब सबसे पहला काम ये बाइक बाहर निकालनी है। आप खब्बे हाथ रख के साहब जी, खब्बे हाथ रख के थोड़ा सज्जे, ठीक है आंदे हो, आंदे हो, आंदे हो, सीधे हाथ आंदे हो। कम बैक। स्टॉप। इतना क्लोज आ गया था मेरे। गली के छोटे बच्चे को समझाया जा रहा है, आप खुद सीधे काम है नहीं, छोटों को समझा रहे हिसाब लगाओ। सुपारी खाना, खरगोश भी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। एक तो जो है वो दाना में घुस के बैठ गया है और दूसरा जो है वो घास के ऊपर बैठ गया है और दोनों जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। कल रात इनके लिए वहाँ पे जगह बनाई थी थोड़ी नरम, ताकि ये वहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि अपने घर में तो पता नहीं किस तरह रहते होते थे, तो यहाँ पे हम इनको जब फैसिलिटेट कर सकते थे ऐसा ऐसा वो कोशिश करें कि हम जब इनको फैसिलिटेट करें जितना हो सके। सेंटर वाली जगह हमारी भी जो है, इसका नाम मैं अभी थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा, कन्फ्यूजन में हूँ। कोई कह रहे हैं कि इसका नाम रख लो, चले नाम बाद में देखते हैं। ये जगह भी जो काफी सोनी सोनी लग रही है, ये वाली साइड तो हमने थोड़ी बहुत फील की है, लेकिन ये वाली साइड जो बिल्कुल खाली खाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड को भी जो फील किया जाए, इसके लिए जो मेरे पास एक आइडिया आया था, वो आइडिया ये है कि हम लोग जो है वो टायर लगा देते हैं। ये टायर हमारे पास पड़े हैं तो इनको लगाते हैं दीवारों के ऊपर। वैसे ही वो टायर है जो साइकिल से या मोटरसाइकिल से उतार के फेंक दिए हुए हैं, लेकिन एक हम इनको जब यूज करने की कोशिश करते हैं उसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये कि ये गंद नहीं रहेगा और दूसरा ये कि ये जो है खूबसूरत लगेगा। इन फ्यूचर भी जो है इसमें काफी मजे की चीज ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो इनको जरा हैंग करने के लिए तरतीब बनाते हैं और सोचते हैं कि इसको जो है किस तरह से हम यूज कर सकते हैं जो खूबसूरत भी लगे। इस तरह सबसे पहले लगाते हैं कील्स सारी दीवारों के अंदर और टायर जो है हम इनके ऊपर लगाते जाएंगे। कील लग गया इस साइड का, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लगाते हैं टायर। यहाँ पे हम जब मोटरसाइकिल लगाते हैं, कोई इकलौते नहीं लगना, तो थोड़ा बड़ा होगा तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब बाकी के जो टायर हैं इनको भी लगा लेते हैं, कील वगैरह हमारे लग गए सारे। हाथ पे तो नहीं लगी? हाँ ये लगी, इनको नहीं खा रहा जवानों को लगती। तो ये हो गया जी टायर हमारा पहला। तीसरा इसके बाद हम लगा लेते हैं ये वाला, सही है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा। अब इसमें हमारे पास छोटे जो है वो ज्यादा बड़े काम है, तो हम छोटे पहले लगा लेते हैं और फिर आखिर में जब एक बड़ा लगा देंगे। तो इसको भी लटका दे साथ, आपने लटकना साथ दीवार के साथ लटकना। अब्दुल्ला चला ले टायर, पकड़ो छोटा ब्लैक पकड़ो। एक और टायर लग गया। वैसे एक चीज चेक करें कि जो वो वाला टायर है उसके भी सेंटर में ब्राउन है, इसके भी सेंटर में ब्राउन है। वैसे टायर गंदे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चले एक बार लगा के देखते हैं कि लगते कैसे हैं। वो वाला पकड़ा चला,
इस साइड से दिखाओ आसिम कैसे लग रहे हैं सारे टायर साथ रुक गए उसके ना कंफ्यूज करो बच्चे को ये सभी टायर्स जो है वो कैसे लगे हैं कील के साथ टायर्स बताइएगा कैसे लगे हैं कलर्स जो है वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा हमें लेकिन टायर्स की तरतीब जो है वो कुछ इस तरह से है इसके अलावा कुछ टायर जो है हमारे पास बाइक्स के पड़े हुए हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाले तकरीबन कंप्लीट हो गया तो ये वाले टायर जो है वो इनके तरह पार्ट्स करके यानी कि छोटे छोटे हिस्से करके तो वो जो है वो इनके नीचे इस तरह से लगा दिया जाए तो बिल्कुल जैसे आई के नीचे वाली आईब्रो बनाई जाती है ना ऐसे गोल से करके तो ऐसे तो बिल्कुल उस तरह के लगेंगे और मेरा ख्याल है कि काफी अट्रैक्टिव लगेंगे तो चेक करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले जो इन्हें काटना पड़ेगा लेकिन काटना जो है बहुत मुश्किल है उसके लिए हमें जो वो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर जो है ये जगह पे सारी स्टील वायर्स होती हैं इसके अंदर भी जो है वो उसकी मेटल की वायर्स होती हैं या धागे की वायर्स होती हैं क्वालिटी डिफरेंट होती है टायर्स मेरा ख्याल है धागे की होती हैं और नीचे जो है वो स्टील वायर्स होती हैं नीचे वाली कन्फर्म है मुझे अब्दुल्ला एंड हिज फ्रेंड अब्दुल्ला ये कौन है बेस्ट फ्रेंड हादी हादी आपका जूता किधर है जूता पहनो चलो भाग जो और जूता पहन के आओ जरा भी आ गया अब्दुल्ला को बुलाने इधर है अब्दुल्ला इधर है जरा ले जाओ अब्दुल्ला को घर बूद ले क्या तो बूद नहीं है उसके पास अंगूर है मैंने नहीं पीना ए, मैं नहीं पीता जरा हाँ एक्साइटमेंट चेक करें ये लो ये भी ले लो जरा ही मामा को दे जरा मामा को दे फल माशाल्लाह हमारी गली में आए हैं और आपको जो है फलों के रेट बताते हैं तो सबसे पहले केला भाजी केला की रेट जी 80 रुपए दर्जन जापानी फल कितने था भाजी 150 रुपए किलो 150 रुपए किलो माल्टा एज यूजुअल 10 रुपए का 10 रुपए का और भाजी अंगूर का की रेट जी अंगूर 100 रुपए पा देने 350 रुपए किलो सही और केड़ी किस्म है अंगूर की ये गोला है कोटे का मीठा अंगूर है ना तो ले जी ये अंगूर है जिसकी प्राइस अभी भी आप लोगों ने देखी है लड़के की गुड्डी फंस गई है काका शीशा ना पांदी परे हो तो जी माल्टे की ऑफर आई है मैं इस माल्टे को नहीं पानता माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मुंह में जो पानी आ रहा है यकीनन आप लोगों का भी यही हाल हो गया अभी इसको जब चखते हैं हम लोग मावे साहब तो खूब इंजॉय कर रहे हैं आसिम साहब तो जब लेट के इंजॉय कर रहे हैं माल्टा क्या बात सारा दिन इसी के साथ गुजारना आज आपने फिर दिन तो गुजर गया सारा हाँ फिल्में देख देख के जी हम भी खाते हैं वैसे मैं अवॉइड करता हूँ लेकिन अब लेके आया मावे बड़े शौक प्यार से तो अब हम इसको खा ही लेते हैं मसाले के साथ कड़वा किया है वैसे मसाला वैसे माल्टा जब इतना खट्टा नहीं है मज़ा आया बरात टायर जब बाहर निकालिए बरादा ये बंदा के टायरों को धो के तो फिर एक बार लगाते हैं वैसे जब वो टायर काफ़ी सारे गंदे हो गए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इतने कोई खास खूबसूरत लग रहे थे उसके लिए टूल्स भी हमने मंगवा ली हैं टायर सारे वो उधर रखे नाली के पास ये बहन भाई भी जो माल्टा इंजॉय कर रहे हैं आसिम जब तक ऊपर गया तब तक जो इन पे पानी मार देते हैं ताकि मट्टी जो थोड़ी बहुत नरम हो जाए और कुछ बहुत जो उतर जाएगी उसके बाद जब इन पे इस तरफ वगैरह लगा के तो साफ कर लेंगे तो जी अभी डलेगी पानी के अंदर सरफ और ये बन जाएगी हमारी बबल वाली रेसिपी चाचा सर टेस्ट करेंगे नहीं टायरों को टेस्ट करवाएंगे हम और फिर जी इंशाल्लाह हमारा टायर जो है वो चमक जाएंगे सही वाले सीधा सही वाले चमक जाएंगे ना जी लड़के को पता नहीं कितना मजा आ रहा है खेले लग गया उसके साथ ये काफी बन रही है रेसिपी हमारी तैयार है आसिम घूंट लगाओ वही नहीं कैमरा मेरे हाथ में इसीलिए कर रहा हूं चलो वो करो तो ले जी लड़ाई लग गई है दोनों कजिन्स की उसकी गिच्ची तार नहीं
अरे किसी गिच्ची है उसकी। दरवाजा बंद कर दे। जितने अच्छे से महल उतर रही है मुझे लग रहा है ये तो शीशा बन जाएंगे शीशा। तो ले जी यहाँ पे दो दो हाथ शुरू हो गए हैं, होप सो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पता लग जाए आसिन कौन ज्यादा साफ करता है। ये ले पकड़ी। आप और फिदा में से कौन ज्यादा साफ करता है। आप जीत गए। हम तो जीते हुए जाते हैं, एम्पायर थोड़ी खेल रहा होता है। चलिए जी एक मैट साइड करूंगा और एक जो है वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि ये फिदा सही साफ कर रहा है कि आसिम जो है वो सही साफ कर रहा है। और ये इधर से इस साइड से फिर आ गए। आप क्या कह रहे हो आसिम? वो सही इधर संदर करके वो दूसरी साइड से बाहर आ गए। जरा भी आ गई। अपने बच्चे अंदर ले जाओ यार, तंग कर रहे हैं। तंग करते हो आप, करते हो। वो देखो शर्ट सारी गंदी होगी आपकी। हाँ वो शोल्डर से बॉल से गंदी होगी। हाँ गंदी होगी है ना। हाँ होर पहन के आओ, जब होर पहन आओ ना। चलो नहीं है करके पहन लो, जाओ। इस बच्चे के काम चेक करें। उग गया। हादी सीधे काम करो, छोड़ दो उनको। काम जो है वो काफी नजदीक लग गया, सिर्फ जो है वो ऑलमोस्ट लग गई है। ये दो टायर सबसे खास 150 के टायर जो है, अब इनकी बारी आ गई। ये अंदर ही रह गए थे बेचारे, अभी इनको बुलाया तो ये टायर हम काटने की कोशिश कर रहे थे और इसने जो है वो तोते कैमरे पे पानी फेंक दिया जहल इंसान ने। वाटरप्रूफ नहीं ये, वाटरप्रूफ नहीं है। जाओ कपड़ा लेके आओ अंदर से जल्दी। नहीं सर अंदर पानी, ये वाटरप्रूफ है। उसका गोता लग गया। वो भी वाटरप्रूफ नहीं है। तो जी लेंस के आगे जो आपको पानी नजर आ रहा है, इसमें सारे इसके कारण में अंदर जाना पड़ना। कुंडी लगाई हुई सारा बाहर आ जाता। आसिम साहब की अच्छी खासी क्लास लगी है और अब आसिम के फेस एक्सप्रेशन चेक करें। सिर्फ वाला मरहला तो हमारा हो गया कंप्लीट, अब इसके ऊपर पानी मारते फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट निकलता है। होप सो कि अच्छा ही होगा। लड़कों ने मेहनत तो बड़ी की है, थक के दीवारों के साथ लग गए हैं। वक्त आ गया पानी मारने का। और आसिम साहब से मैं कह रहा हूँ फिदा की हेल्प ले, लेकिन मान ही नहीं रहा मेरी बात। मावी साहब भी आ गए हैं और अभी जब शुरू हो गई है सर्विस क्विक वाली। आसिम साहब जो है पानी मारते जा रहे हैं, ये लड़का जो है वो साइंस है हमारा पानी निकालता जा रहा है और मावी साहब जो है वो इनको मावी उनको साइड पे लगाते जा रहे हैं। तो जी आखिरी टायर सिर्फ काफी सारी बच गई। आसिम साहब आसिफ आसिम ला देते हैं आपको। शरबत सरफ तैयार हुआ है, अंदर पेटा साफ कर देगा, पी लो। मैंने तो किया हुआ ना ट्राई, बड़ा स्वादी होता है, पी के देखो। तो जी ये रहे टायर, तब इन टायर को जाके लगा देते हैं फिलहाल। फिर उसके बाद हमने कटर एक मंगवाया, कटर आएगा तो फिर कटर के साथ जब इन सबको हम काट कूट लेंगे, इनके जो जो काटने वाले फिर उनको जब हम कटर के साथ काट लेंगे। जवान और जवान साई देखा ये टायर लगाने हैं। चलो उठो टायर जाओ, धुल के अंदर आ गए। अभी जाओ इनकी स्पेसिस पे लटका देते हैं इनको, जहाँ जहाँ इनकी जगह बनाई थी। मावे साहब आप लटकाते जाएं, आसिम आप हेल्प आउट करते जाओ उसको। ये वाला टायर उठाओ, ऐसे ऐसी हेल्प मैंने करनी है। तो ले जी ये टायर जो है वो हमारे हो गए और ये वाले जो दो टायर हैं ये कटवाने वाले हैं। लड़का किधर आ सी? थोड़ी देर तक आता। अजान मगरिब सुपर का टाइम हो गया और खरगोश जब इंजॉय कर रहे, मुझे लग रहा है इसका पैर जो है वो यहाँ पे फंस गया, तो इसका पैर जो है वो छुड़वाते हैं। माविया इधर आओ जल्दी आओ। ये इसका पैर, अच्छा मुझे लगा पैर अटका हुआ, उसने छुड़वा लिया खुद ही। नहीं अटका हुआ, नहीं अटका हुआ। हमारे कटर वाला तो अभी तक आया नहीं, लेकिन हम आपसे चाहते हैं ज्यादा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नई और मजेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।